के मुआज़े सारिफीन, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे 6 ऐसे स्टंटबाज के बारे में जिनकी वीडियो को देख के आपके रोंगटे तक खड़े हो जाएंगे। लोग फिल्मों में तो देखते हैं कि कुछ ऐसे स्टंट किए जाते हैं जो कि कुछ लगते तो ऐसे हैं कि बिल्कुल ये हमारे आंखों के सामने हो रहे हैं, और कुछ ऐसे स्टंट होते हैं कि जो लगता है कि ये फिल्माए गए हैं। कुछ ऐसे स्टंट होते हैं जो ग्राफिक्स की मदद से बनाए जाते हैं, हालांकि वो मौजूद ही होता है जो स्टंट मैन होता है उसी अपनी जगह पर, लेकिन हमें ऐसे लग रहा है कि हवा में उड़ रहा है, कभी वो पहाड़ी से छलांग लगा रहा है। इसी तरह से फिल्मों में जो भी दिखाया जाता है आज हम आपको रियल में दिखाएंगे। तो आइए हमारे साथ वीडियो में शेयर और जरूर करें और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हमारे चैनल को, लजब कॉलेज को दुनिया का बेहतरीन विंग सूट पायलट कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे स्टंट करके दिखाए हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। अक्टूबर 2013 में इन्होंने अपना विंग सूट पहनकर चाइना के लैंगशन माउंटेन की एक 10 फुट 10 फुट की दरार के अंदर सक्सेसफुली क्रॉस होकर इतिहास रच दिया है इन्होंने। और ये आपको देखने में जितना आसान लग रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जैन 160 किलोमीटर की रफ्तार से हवा में उड़ रहे थे, और जिस महारत के साथ इन्होंने इस काम को अंजाम दिया है वो काबिले दीद है। दोस्तों हम पांचवें नंबर पर बात करेंगे ऐसा इंसान जो 13,000 फुट की बुलंदी से बगैर पैराशूट के नीचे छलांग लगा दी, और इसने बलून के जरिए ऊपर जाकर अपना पैराशूट नीचे फेंक दिया, और बिना कुछ सोचे समझे इसने इस बलून से जंप लगा दिया। अब आप इसको इसकी बेवकूफी कहेंगे या इसकी दिलेरी कहेंगे, और इसको कैप्चर करने के लिए इसकी टीम भी इसके साथ नीचे कूदी, लेकिन उन्होंने पैराशूट पहना हुआ था, और 40 सेकंड हवा में रहने के बाद इसने अपने एक पैराशूट दोस्त को पकड़ लिया और उसके साथ नीचे हवा में उड़ने लगा और आराम से जमीन पे आने लगा। दोस्तों 2015 में न्यूजीलैंड के शेजो सलाज ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिए जब उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंची जब उन्होंने क्लिफ जंप को अंजाम दिया। और आपकी मैं रहनुमाई के लिए बता दूं कि इसकी जो लंबाई थी 193 फीट थी, वो पीसा के टावर से भी ज्यादा ऊंचाई थी, और उन्होंने अपने इस जंप को 3.5 सेकंड में ही पूरा कर लिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। और इस जंप में कमाल की जो बात थी उनकी स्पीड थी जो कि 113 मीटर फी सेकंड के हिसाब से चल रहे थे, और इस स्टंट करने के बाद नेजो किस पानी के बाहर नहीं आए, और लोग काफी परेशान हो गए कि आखिर हुआ क्या है। और ठीक ही 10 सेकंड गुजरने के बाद चिंटो वापस आए और लोगों ने उनको देखकर खुशी का इजहार किया और उनकी हौसला अफजाई की। दोस्तों 2013 में बेस जंपिंग पर मार्टन और हैरी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया जब उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से विंग सूट पहनकर जंप लगा दिया, और इस पूरे जंप को दुबई की सबसे बड़ी कंपनी स्काई डाइज ने पैरालाइज किया रिकॉर्ड, और उन्होंने बिल्डिंग के टॉप पर एक प्लेटफॉर्म भी इंस्टॉल कर लिया था ताकि स्काई डाइवर को किसी किस्म की तकलीफ ना हो, ताकि इसका 228 मीटर की इस सबसे बड़ी ऊंची इमारत से नीचे आते हुए इन्होंने काफी सारे करतब किए और बड़े ही मजे से इस जंप को सर अंजाम दिया और आराम से जमीन पे उतर आए। दोस्तों अमेरिका के 56 साल के डैरन टेलर इस तरह से जंप लगाने इसमें माहिर हैं कि जो कि अच्छे से अच्छे क्लिप हंटर भी नहीं जंप लगा सकते। प्रोफेसर स्प्लैश के नाम से जाने जाने वाले डैरल अपने चेस्ट के बल जंप लगाते हैं और बच्चों के पूल में लैंड होते हैं, और इन्होंने ये करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जमा करवाया। और मैं आपको बताता चलूं कि इस पोजीशन में जंप लगाना बेहद खतरनाक भी हो सकता है, और थोड़ी सी भी मिस्टेक और नागहानी आपकी जान ले सकती है। और आप दोस्तों का इस जंप के बारे में क्या कहना है कमेंट्स में लाजमी बताइएगा।